तलाई में दहशतगर्दों का हमला। डीआईजी योब ऑफिस में उम्मीदवारों के इंटरव्यूज के दौरान फायरिंग, दहशतगर्दों ने दस्ती बम भी फेंके। आज पुलिस अहलकारों समेत 16 अफराद जख्मी, 4 दहशतगर्दों में से एक मारा गया। सेनेट कायमा कमेटी दाखला ने साहिवाल में सीटीडी के हाथों कत्ल होने वालों को शहीद करार दे दिया। पंजाब पुलिस और सीटीडी के मौकिफ बदलने की रिपोर्ट तलब। इजलास में फातह खानी, जहां हक होने वाले जिशान और खलील के अहले खाना भी कमेटी के सामने पेश। सेनेटर रहमान मलिक ने कहा कि साहिवाल वाकया टारगेट किलिंग है, लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा। वजीर आजम को जुडिशियल कमीशन के लिए खत लिख दिया। कायमा कमेटी दाखला के इजलास में सानहे साहिवाल पर नून लीग और तहरीके इंसाफ के अरकान आपस में उलझ पड़े। आजम सवाती और जावेद अब्बासी के दरमियान तल्ख कलामी। जावेद अब्बासी ने वाकई में हुकूमत के मुलाविस होने का इल्जाम आयद किया। सेनेटर वसीम शहजाद बोले, हुकूमत मुलाविस नहीं। रहमान मलिक बोले कि आपस में ना लड़ें वरना कार्रवाई मुअत्तल कर दूंगा। सीटीडी के अहलकारों ने खलील और फैमिली को अगवा करके मारा। जेआईटी को नहीं मानते, बताया जाए वकुआ के पसे पर्दा किरदार कौन है। खलील के भाई जलील का सेनेट कमेटी में बयान। डर लगता है, मैं रोज़ अल्लाह के इंतजार करती हूँ। अल्लाह हमें और कुछ नहीं चाहिए, बेटे से दहशतगर्दी का लेबल हटा दें। पुलिस ने वाहिद सहारा छीन लिया। जिशान दहशतगर्द था तो मारा क्यों? जिशान की मां बयान रिकॉर्ड कराते वक्त आप दीदा हो गए। सानहे साहिवाल की तहकीकात सुस्त रवि का शिकार। सीडीडी के आला अफसरों को शामिल तफ्तीश ही नहीं किया गया। छोटे अहलकारों पर ही मलबा डालने की तैयारियां। जीआईटी ने साहिवाल में मजीद गवाहों के बयानात कलमबंद किए। सीडीडी के 6 गिरफ्तार अहलकारों की आज शनाख्त परेड कराए जाने का इम्कान। पैसे का गुरूर अदाकारा और उसकी माँ को बना गया जल्लाद। ये प्लान किसने बनाया कि लाश को ठिकाने लगाना है? सर जी किसी ने नहीं, बस वो जो जहन में आया कर दिया और खत्म हो गए बात। सर जी बस बात कर। कैसे तड़पा तड़पा कर मारा गया कमसिन मुलाजमा उज्मा को, रुला देने वाली वीडियो ने भांडा फोड़ दिया। नानी नानी तू चुप कर जा। उज्मा को इंसाफ दो। 24 न्यूज की पुकार पर पंजाब के वजीर मियां महमूद रशीद कत्ल होने वाली मुलाजमा उज्मा के घर पहुंच गए। लवाहिकीन को इंसाफ की यकीन दहानी। हमें हर महीने ये कहा जाता है आपकी इस महीने हाउस ऑफ पेट होगी, पानी सर से गुजर चुका है और हम लोग चाहते हैं कि हमारी अब हाउस ऑफ पेट हो जाए। किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाए सबको पे मिल रही है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, सबको पे मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिल रही? हमें हमारी हाउस ऑफ पेट करी जाए और हमें पैसे दिए जाए, अभी के भी और पुराने भी। हमारी हाउस ऑफ पेट करो, हमारी हाउस ऑफ पेट। कराची समेत सिंध में दूसरे रोज भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। जिना और सिविल अस्पताल समेत तमाम डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में इलाज बंद। सिंध हुकूमत ने यंग डॉक्टर्स के मुतालिबात मान लिए, तनख्वाह और अलाउंसेज में इजाफा। मुर्तजा वहाब का कहना है कि उम्मीद है डॉक्टर्स जल्द एहतजाज खत्म कर देंगे। सियासी लड़ाई सियासी फोरम और पार्लियामेंट में लड़ी जाए, सियासी मुकदमात अदालत में क्यों लेकर आते हैं? मुतालिका फोरम इलेक्शन कमीशन बनता है, अदालत को मुतमईन करना होगा कि तरजीही बुनियाद पर क्यों सुने। आसिफ जरदारी नाअहली केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस अतर मिनल्ला का उस्मान डार के वकील से मुकालमा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी। नून लीगी रहनुमा परवेज मलिक,
इमरान नजीर, मुश्तबा शुजा और दीगर लाहौर हाईकोर्ट में पेश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दौरा गंबट, पीर अब्दुल कादिर शाह मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह किया, अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना। बादब बा मुलाहजा होशियार, आ रहे हैं उस्मान बुजार। वजीर आला पंजाब टोबा टेक सिंह में शाहाना प्रोटोकॉल, 23 गाड़ियों के काफिले में पहुंचे, ट्रेनों को भी रोक दिया गया। मुल्तान में दौरे से पहले ही दुकानें बंद, ये क्या नया पाकिस्तान है? हामिद मीर का ट्वीट। ट्वेंटी फोर न्यूज ने मामला उठाया तो हुकूमत को भी ख्याल आया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजार ने मुल्तान में दुकानें बंद करने का नोटिस ले लिया। कमिश्नर और आरपीओ मुल्तान से रिपोर्ट तलब, तहकीकात का भी हुक्म। उस्मान बुजार कहते हैं लोगों को बेरोजगार करना हुकूमत की पॉलिसी नहीं। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत ईसीसी का इजलास, गर्दिशी कर्जे की अदायगी के लिए 200 अरब के सुकूक बॉन्ड जारी करने और 5 लाख टन इजाफी गंदम बरामद करने की मंजूरी। हमने ये फैसला कर लिया कि हमें ऐसी कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं लेंगे जिसमें कम से कम जब चेयरमैन हो तो उसके साथ 5 मेंबरान और हो, 5 हमारे हों, 5 हुकूमत के हों और छठा चेयरमैन होगा, यानी 6-5 की मेजॉरिटी हमें अपने चेयरमैन के साथ चाहिए। वहाँ शहबाज शरीफ चाहिए जबकि हमने पीपल्स पार्टी को ऑफर की थी, लेकिन वो जिद कर रहे थे कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा। हम यहाँ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को लो या नहीं, यहाँ हर आदमी इमरान है। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन ने वफाक की तर्ज पर रिपब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप मांगी। फिरदौस शमीम का कहना है पीएससी की चेयरमैनशिप ना मिली तो कायमा कमेटियों का हिस्सा नहीं बनेंगे। पीपल्स पार्टी ने मरकज में तो पीएससी पर शहबाज शरीफ की हिमायत की, यहाँ वही फॉर्मूला क्यों लागू नहीं हो सकता? जीएम रेलवे आफताब अकबर की लाहौर हाईकोर्ट में पेशी, अदालत ने वारंट गिरफ्तारी वापस लेने और गैर मशरूत माफी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और रूस के मुजाकरात, रूसी सदर के नुमाइंदा खसूसी ब्राय अफगानिस्तान जमीर कावलॉफ की वजीर खारजा शाह महमूद, सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, अफगानिस्तान में क्याम अमन पर तबादला ख्याल। कावलॉफ कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। कराची में थाना सौराब कोट पुलिस की गफलत, कचरे को आग लगने से पकड़ी जाने वाली बस भी लपेट में आ गई। लाहौर के इलाके गुलबाग में कंस्ट्रक्शन कंपनी के कॉन्फ्रेंस हॉल में आग लग गई। हवेली लखा में उस्ताद जल्लाद बन गया, मकामी कॉलेज में तुलबा पर तशद्दुद की फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। साबिक रुकने पंजाब असम्बली अरशद खान लोधी इंतकाल कर गए, काफी अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा कल हड़प्पा में अदा की जाएगी। अफगानिस्तान के शहर मजार शरीफ में पाकिस्तानी कौंसल खाने का वीजा सेक्शन खोल दिया गया, 2 रोज पहले खातून से बॉम्ब बरामद होने पर सिफारत खाना बंद किया गया था। लाहौर जू में जिराफ नहीं है, हमारे जू में जिराफ नहीं है। आपके शहर में चिड़ियाघर नहीं या चिड़ियाघर में जानवर नहीं, आप अपने चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर देखना चाहते हैं व्हाट्सएप पर अपना पैगाम रिकॉर्ड करके उसे स्क्रीन पर आने वाले नंबर पर भिजवाएं, हम आपकी आवाज वजीर आला तक पहुंचाएंगे। मैं आज भी सॉरी करती हूँ, मेरी वजह से कवि साहब की कोई गलती नहीं है, वो मैंने ही मेरे फोर्स करने पे उन्होंने मुझे इजाजत दी थी और उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि मैं टिकटॉक पे वीडियो बना रही हूँ। मौलाना मुफ्ती अब्दुल कवि के साथ वीडियो बनाने वाला ख्वाजा सराज सामने आ गया। शानिया गर्ल का कहना है कि गलती से टिकटॉक किया, अपने अमल पर अवाम और मुफ्ती साहब से माफी मांग ली है। यूनिसेफ ने बर्फानी इलाकों में अपनी जान जोखों में डालने वाले इंसदादे पोलियो मुहिम के रजाकार को पाकिस्तानी बच्चों की सेहत का मुहाफिज करार दे दिया, ट्विटर पर फुटेज भी शेयर की।